ઓખામાં વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન ઓફિસનું નવીનીકરણ ઝોનલ સેક્રેટરી જી આર ભોસલેના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ડિવિઝન ચેરમેન, ડિવિઝન સેક્રેટરી હાજર રહ્યા હતા, તેમજ ઓખાના રેલ કર્મચારી અને યુનિયન લીડરની જાહેર સભા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મહામંત્રીએ રેલ કર્મચારીઓને પેન્ડિંગ પ્રશ્નો સાંભળી સચોટ ઉત્તર આપ્યા હતા તથા નિવૃત્ત રેલ કર્મચારીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम जे आर भोसले है. मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का महामंत्री हूँ, ऑल इंडिया रेवन्यू फेडरेशन और हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जा करेंसी प्रेस का मीटिंग होता है वहाँ का भी अध्यक्ष मैं हूँ और इंटरनेशनल में ITUC हमारी मजदूरों की बहुत बड़ी संस्था है, उसका मैं 2005 से इंटरनल ऑडिटर हूँ. मैं आज ओखा में हमारा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का ब्रांच का नया ऑफिस का उद्घाटन के लिए आया था और इस अवसर पर मैं अभी लोगों को संबोधित कर रहा था कि आज का सरकार, हमारा एक कहना है कि नॉन पॉलिटिकल ट्रेड मूवमेंट ऑन इंडियन रेलवे इज ए एसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडियन रेलवे. आज के तारीख में रेलवे मन के अंदर बहुत असंतोष है, जनता के अंदर भी असंतोष है. वो इसलिए है कि जो उम्मीदें पैदा की थी इस देश की सरकार ने, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पीपल, लेकिन जो आश्वासन दिया था उसके बदले में जो उल्टा हो रहा है, वो रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है, 2-2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लोगों को समय पर छुट्टियां नहीं मिलती है, लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है और ओवर टाइम का पेमेंट देने के लिए बोलता है पैसा नहीं है हमारे पास में, तो ये लोगों की हमारे आज का तारीख में परेशानी है. और इसका नतीजा ये हो गया कि मेरे रेल मजदूर भी बोलते हैं और इस देश की जनता भी बोलना चालू हो गया है कि हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, 2014 के पहले जो हमारे दिन थे वो तो कायम रखो.